मूवी के स्टार्ट में हम विप नाम के एक पायलट को एक होटल रूम में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि विप ड्रंक है। विप ने लास्ट नाइट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल का यूज किया था और इवन वो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। हालांकि एक घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी और ऐसी हालत में फ्लाइट को कंट्रोल करना डेंजरस हो सकता था। विप अब अपने आप को जगाने के लिए कोकेन का यूज करता है और फ्लाइट के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने को पायलट कैन से होती है। अब यहाँ प्लेन में अपनी हालत को खराब फील करते हुए एक एयर होस्टेस से विप कुछ पेन किलर मांगता है और उससे कहता है कि मैं शायद 2 रातों से सोया नहीं हूँ, इसीलिए ऐसी हालत हो रही है। अब मूवी में दूसरी तरफ हमें निकल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी और वो ड्रग डीलर से ड्रग्स लेने आई थी। वो ड्रग डीलर अब निकल को ड्रग देने के बाद उससे कहता है कि ये ड्रग्स बहुत हैवी है, इसकी सिर्फ बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी यूज करना। और अब मूवी में हम दोबारा विप को देखते हैं और विप प्लेन को टेक ऑफ करता है ये देखे बगैर कि मौसम कितना खराब है, और फिर वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद फ्लाई करने का डिसाइड करता है। और ऐसी हालत में वो लोग बहुत मुश्किल से प्लेन को हायर एल्टीट्यूड यानी आसमान में ऊंचाई की तरफ लेकर जाते हैं। विप अपने प्लेन को बादलों से ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहता था ताकि वहां पर उन्हें मौसम साफ मिले, और इस सब के दौरान पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। विप को पायलट कैन को उसका डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था और ना ही कैन को विप की हालत ठीक लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि विप कैप्टन था। लेकिन लकीली वो लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं और इस दौरान पैसेंजर्स भी सेफ रहते हैं। अब यहाँ पैसेंजर साइड पर आकर विप सारे पैसेंजर्स से मुश्किल के लिए अपोलोजाइज करता है। विप अब अपने पैसेंजर से माफी मांगते हुए ही एक जूस बोतल में अल्कोहल मिक्स करता है और इस तरह वो सभी के सामने ड्रिंक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है यानी प्लेन के उस एरिया में जहाँ से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है, तो वो देखती है कि विप आईज क्लोज कर सो रहा है और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। यहाँ जमीन से मिशन कंट्रोलर जो कि प्लेन की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे थे वो कैन से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि प्लेन लैंडिंग एरिया रेडी है। और जैसे ही कैन कुछ कीज दबाता है तो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अब जैसे ही प्लेन को बाहर से दिखाया जाता है तो प्लेन बिल्कुल उल्टा था और इतनी सीरियस कंडीशन के बावजूद विप अब भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब विप कैन से कहता है कि इस प्लेन में जितना भी लगेज है उसे बाहर गिरा दो, और इतने में ही वहाँ प्लेन का हाइड्रोलिक हैंडल भी खराब हो जाता है जिससे प्लेन को हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। विप अब कॉकपिट में मौजूद एक एयर होस्टेस से एक लीवर नीचे करने को कहता है, लेकिन इस सब के बाद भी प्लेन कंट्रोल में नहीं था और सबकी जान खतरे में थी। अब प्लेन को एक और झटका लगता है जिससे पैसेंजर साइड पर एक एयर होस्टेस को चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है, और अब प्लेन नीचे जाते हुए क्रैश होने के बिल्कुल करीब था। अब विप ये जानता था कि सब लोग मरने वाले हैं और कोई भी नहीं बचेगा, इसीलिए वो कॉकपिट में जाकर अपनी फैमिली के लिए रिकॉर्डिंग करता है जिसमे वो कहता है कि उसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार है। और इसके बाद विप दोबारा रिस्क लेते हुए हैंडल पे कंट्रोल रखता है और प्लेट को दोबारा उल्टा करता है, जिसकी वजह से पैसेंजर साइड पर एक बच्चा सीलिंग से टकरा जाता है और यहाँ एक एयर होस्टेस इस बच्चे को बचाते हुए खुद मर जाती है। यहाँ अब जमीन पर हम देखते हैं कि निकल जो लड़की हमें पहले दिखाई गई थी उसने ओवरडोज ड्रग ले ली थी और अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। और यहाँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए सारे लोग देखते हैं कि एक उल्टा हुआ प्लेन बहुत नीचे से गुजर रहा है। और अब प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि विप अब क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार था क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। अब विप उस प्लेन को सीधा करते हुए एक फील्ड में लैंड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्लेन का एक विंग एक टॉवर से टकरा जाता है और इस वजह से प्लेन को बहुत जोरदार झटका लगता है और वो लोग बहुत बुरे तरीके से लैंड करते हैं, जहाँ तक कि प्लेन दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के दौरान बहुत से पैसेंजर्स मारे गए थे और बहुत से पैसेंजर्स इंजर्ड थे। अब यहाँ विप भी अपना सर हैंडल से टकराने की वजह से बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। यहाँ हॉस्पिटल में विप अब 2 आदमियों से मिलता है जिसमें से एक उसका फ्रेंड था और दूसरा विप का बॉस चार्ली, जो उसे अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि चार्ली को लगता था कि विप ने बहुत मुश्किल से एक सारी सिचुएशन को हैंडल किया है और उसने बहुत सारे पैसेंजर्स
पैसेंजर्स की जान बचाई है। हालांकि यहां पर 600 के करीब पैसेंजर्स मर गए थे और उन पैसेंजर्स की तादाद तो बहुत ज्यादा थी जो इंजर्ड हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां विप से कुछ लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और उनके जाने के बाद विप का फ्रेंड विप को अल्कोहल ऑफर करता है, लेकिन विप उससे अल्कोहल लेने से मना कर देता है। अब सब लोग जब उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं तो विप स्मोकिंग करने के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे आ जाता है, जहां उसे दो और लोग मिलते हैं जिसमें से एक कैंसर पेशेंट था और दूसरी एक लड़की थी। ये वही लड़की निकल थी जिसने ओवरडोज ड्रग ले ली थी। यहां से विप और निकल की फ्रेंडशिप हो जाती है और विप निकल के घर का एड्रेस लेकर उससे मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। अब घर पहुंचने पर विप को विप के बॉस चार्ली की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम फ्लाइट के दौरान ड्रंक थे और इस वजह से हम लोगों पर केस हो गया है और अब हम इस केस के सिलसिले में लॉयर से मिलने वाले हैं। यहां चार्ली विप की इसलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि ये उसकी एयरलाइन का प्रॉब्लम था। चार्ली को डर था कि अगर वो लोग ये केस हार गए तो उनकी एयरलाइन डूब जाएगी, इसीलिए उसने एक बहुत अच्छा लॉयर हायर किया था क्योंकि इस एक्सीडेंट में 600 लोग मारे गए थे और इसका भी तो कोई जिम्मेदार था ना। और अब इसके बाद विप अपना अल्कोहल छोड़ने का वादा भूल जाता है। विप अब बहुत सारी अल्कोहल लेकर निकल के घर आता है और यहाँ आकर विप देखता है कि निकल के साथ निकल का लैंडलॉर्ड जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि निकल के पास पैसे जो नहीं थे। अब विप निकल के लैंडलॉर्ड को पैसे देकर उसकी जान छुड़वाता है और निकल को लेकर अपने साथ अपने फार्म हाउस में आ जाता है। इस सारे टाइम के अंदर विप प्रेस और मीडिया को अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही थी। विप अब इसके बाद उस फ्लाइट की एयर होस्टेस से मिलता है और वो एयर होस्टेस विप से कहती है कि मैं इस बात की एविडेंस हूँ कि तुम उस वक्त ड्रंक थे। और इधर से ही विप को पता चलता है कि उसका को पायलट कैन बच तो गया है लेकिन अब वो पैरालाइज हो गया है, यानी उसकी दोनों टांगे काम करना छोड़ गई है। अब विप कैन से मिलने के लिए जाता है जहाँ कैन और उसकी वाइफ इस बात का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो बच तो गया है और उसका बच जाना भी एक मिरेकल है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विप की फ्रेंड निकल उसे लेकर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जाती है ताकि विप अल्कोहल छोड़ दे और निकल ड्रग्स छोड़ दे। विप यहाँ पर थोड़ी ही देर में बोर हो गया था और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। अब निकल जब घर आती है तो वो विप को गैराज में पाती है और वो विप से कहती है कि हम दोनों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस बात पर विप नाराज हो जाता है और वो उसे डांट भी देता है और निकल अब उसका घर छोड़कर चली जाती है। विप इस सब के बाद जैसे ही अब अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसे मीडिया के लोग मिलते हैं और वो उनके सवालों से बचने के लिए अपनी वाइफ के घर चला जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली भी उसकी इस एडिक्शन से तंग थी और उससे बहुत ज्यादा नाराज भी थी क्योंकि उसने सारी रेपुटेशन डाउन कर दी थी। विप अब जैसे ही अपनी वाइफ के घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर अब उसका मीडिया से सामना हो जाता है और वो प्रेस के लोगों को बहुत वियर्ड आंसर देता है क्योंकि वो अभी तक ड्रंक था और विप के इस काम से उसका केस और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये वाकया जैसे ही चार्ली को पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो हेरिंग डे तक अब विप के साथ ही रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद लास्ट नाइट किसी ना किसी तरह अब विप को अल्कोहल मिल जाती है और वो पूरी रात ड्रिंक करता है। अब जैसे ही सुबह को चार्ली और बाकी लोग विप के पास आते हैं तो विप उन्हें बेहोश मिलता है। अब क्योंकि चार्ली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो विप के लिए सब कुछ अरेंज करता है और फिर वो विप को तैयार करके कोर्ट के लिए निकलता है। यहाँ कोर्ट में हम देखते हैं कि चार्ली और लॉयर ने मिलकर विप का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था और अल्कोहल से रिलेटेड सारा इल्जाम उस मरने वाली एयर होस्टेस पे लगा दिया था जो उस फ्लाइट में उस बच्चे को बचाते हुए मरी थी। लेकिन अब यहाँ पर विप अचानक से खड़ा होता है और वो सब कुछ कन्फेस करता है कि वो उस दिन भी ड्रंक था, इवन वो आज भी ड्रंक है। अब विप के इस तरह सच बोलने पर वो लोग केस तो हार जाते हैं लेकिन सब कुछ सच सच कन्फेस करने की वजह से उसे सजा आधी मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम विप को जेल में देखते हैं जहां वो अपने साथी प्रिजनर्स को अपनी सारी कहानी सुना रहा था। इस जेल में अब विप को 13 मंथ्स हो गए थे और उसने अल्कोहल भी छोड़ दी थी और साथ ही इस 13 मंथ्स में उसने अपनी फैमिली से दूर रहकर ही अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लिया था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।